नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और अपने सहयोगी अफसर बक्स के साथ मैं हूं हिमांशु संभल। इस कल पुलिस विभाग से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई थी जिसमें काठगोदाम थाना अध्यक्ष चौकी प्रभारी का निधन हो गया था। आज उनके पार्थिव शरीर को हल्द्वानी कोतवाली लेके आया गया जहाँ सभी पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। हमारे पुलिस के जवान अपने देश और समाज की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे जाते हैं, चाहे अपने घर में कोई कार्यक्रम हो या देश में कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो हमारे पुलिस के जवान हैं, वो उस खुशी के बीच में सबको बचाने के लिए, सबको महफूज रखने के लिए हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी रक्षा करने के लिए उनको अपनी जान तक देनी पड़ जाती है। इसी का एक ताज़ा उदाहरण पेश आया था कल हल्द्वानी में, जहां काठगोदाम चौकी इंचार्ज अमरपाल ने गोला बैराज में डूबते हुए एक युवक को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अमरपाल ने उस जवान को तो बचा लिया, उस युवक को तो बचा लिया, लेकिन खुद नहीं बच पाए। अमरपाल की ये कुर्बानी पूरा देश हमेशा याद रखेगा। ऐसा ही अमरपाल ने सिर्फ उस युवक की जान नहीं बचाई, अमरपाल ने इंसानियत की जान बचाई। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उस युवक की जान बचाई और होली के खुशी भरे माहौल में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अमरपाल ने दुनिया को दिखा दिया कि पुलिस के जवान साहस और शौर्य में किसी से कम नहीं है। अगर किसी को बचाने की बात आ जाती है या किसी की सुरक्षा की बात आती है तो पुलिस के जवान अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और इसी की नजीर पेश की, एसआई अमरपाल ने अपनी जान दे दी लेकिन उस लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज जब उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी पुलिस चौकी में पहुंचा तो सभी की आंखें नम हो गई। सभी ने अमरपाल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उस वक्त पूरा माहौल गमगीन हो गया, चाहे पुलिस के अधिकारी हों या कर्मचारी हों या पुलिस के जवान हों, सभी की आंखों में अमरपाल के लिए एक तरफ जहां गर्व था तो दूसरी तरफ अपने साथी के इस दुनिया से यूं अचानक चले जाने का दुख साफ नजर आ रहा था। सभी ने अमरपाल को अपनी आखिरी सलामी दी, आंसू भरी आंखों से अपने साथी को इस दुनिया से विदा किया। अमरपाल का पार्थिव शरीर उनके घर काशीपुर भेज दिया गया। लेकिन जहां कल पूरा देश होली का जश्न मना रहा था, वहीं पुलिस विभाग ने अपने एक वीर सैनिक को खो दिया जिसने एक युवक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।